गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। इंडिया और श्रीलंका के बीच में 3 मैच की T20 सीरीज इंडिया ने 2-1 से जीत ली है और तीसरे T20 मैच में तो सूर्य कुमार यादव की मास्टर क्लास देखने को मिली। मैं आज के इस वीडियो में सूर्य के अलावा बात करने वाले हैं कि क्या 3 बड़े पॉजिटिव्स इंडिया के लिए निकल कर आ रहे हैं इस सीरीज से जो आगे बहुत ज्यादा इफेक्टफुल साबित होंगे, और एक बहुत बड़ा नेगेटिव भी है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े पॉजिटिव की, तो वो है मैन ऑफ द सीरीज अक्षर पटेल। तीनों ही T20 मैचेस में अक्षर पटेल ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया है और मैन ऑफ द सीरीज इसीलिए उनको मिला है क्योंकि 3 मैच में 117 रन उन्होंने मारे हैं। और यहां पर ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि अक्षर पटेल नंबर 6 नंबर 7 पे लोअर मिडिल ऑर्डर में फिनिशिंग के लिए आते हैं, कोई प्रूवन बैट्समैन है नहीं वो, तो वहां पर 117 रन मारना शुभमन गिल, दीपक हुडा, हार्दिक पांड्या, ईशन किशन, सबसे ज्यादा रन अक्षर पटेल ने ही मारे हैं, इन सब प्लेयर्स से ज्यादा रन अक्षर पटेल ने मारे सीरीज में, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अक्षर पटेल की बैटिंग जो लोअर मिडिल ऑर्डर में ये फिनिशिंग प्रोवाइड करेंगे वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। विकेट्स की बात करें तो हालांकि 3 मैच तीन ही विकेट इनको मिले हैं, पूरे सीरीज में 10 ओवर ही इन्होंने डाले हैं, लेकिन पहले T20 मैच को छोड़ के दूसरे और तीसरे T20 मैच में थोड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग भी इन्होंने करी थी। तो अक्षर पटेल बॉलिंग तो ऑब्वियसली अच्छी करते हैं, ये सबको पता है, बट विद द बैट एक अलग जलवा इस पूरी सीरीज में आपको देखने को मिला। तीनों ही T20 मैचेस में अक्षर पटेल ने नीचे आके अच्छी वाइटल नॉक्स खेली है, 20-30 रन इन्होंने बहुत क्विक मारे थे, तो अक्षर पटेल डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं टीम इंडिया के लिए। अगले प्लेयर की बात करें तो वह है शिवम मवी। शिवम मवी को टीम इंडिया कितने आगे तक देख रही है वो नहीं पता, टीम मैनेजमेंट कितना क्या सोच रही है शिवम अभी के बारे में वो नहीं पता, बट शिवम अभी के पास स्पेस है, ये 140-145 डाल सकते हैं और ये इफेक्टिव साबित और होंगे। थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है फास्ट बॉलिंग का, तो वहां पर ये और ज्यादा इफेक्टफुल साबित हो सकते हैं। अपने डेब्यू मैच में 4 विकेट लिए थे, पहला मैच अच्छा रहा था, उसके अलावा दूसरे T20 मैच में इन्होंने अपनी बैटिंग का जलवा भी दिखाया, कुछ 8 या 9 बॉलों में 22 रन भी मारे थे, तो हां ये लंबे लंबे छक्के भी मार सकते हैं एट द एंड, मतलब अगर जरूरत हो। और T20 गेम एक ऐसा गेम है जहां पर आपको नीचे लोअर मिडिल ऑर्डर में जितनी बैटिंग मिल जाए उतना सही, जितने आपके बॉलर्स बैटिंग कर जाए उतना सही, तो शिवम मवी अगर 8 पे भी खेलते हैं 9 पे भी खेलते हैं तो वहां पर आपको एक बैटिंग ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, तो मवी डेफिनेटली एक आगे भी फ्यूचर यंगस्टर के रूप में प्लेयर टू वॉच आउट रहने वाला है। तीसरा और आखिरी पॉजिटिव मैंने रखा है वो है उमरान मलिक। उमरान मलिक ने 3 मैचेस में 7 विकेट चटकाए हैं विद द एवरेज ऑफ 15.14 और इंडिया को बहुत समय के बाद एक ऐसा फास्ट बॉलर मिला है बिल्कुल जिसके पास शेयर पेस हो 145 प्लस जो लगातार डाल सकता हो, 145, 146, 147, इवन 155 भी इन्होंने एक मैच में डाली थी, और सबको बताया भाई जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक के पास काफी अच्छी पेस है, तो ये लगातार कॉन्स्टेंटली 150 प्लस हिट कर सकते हैं, और डेफिनेटली उमरान मलिक अब डेब्यू करा ही है और अच्छा खेलते हुए आएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। उमरान मलिक का एक बहुत अच्छा फ्यूचर रह सकता है और टीम इंडिया एक ऐसा फास्ट बॉलर ढूंढ तो ऑब्वियसली रही थी जिसके बस काफी अच्छी गति हो। तो ये तो 3 पॉजिटिव्स थे, उमरान मलिक, शिवम मवी और साथ ही में अक्षर पटेल के रूप में एक ऑलराउंडर। लेकिन यहां पर अब बात करते हैं एक नेगेटिव की, तो वो होने वाली है डेथ बॉलिंग। इंडिया की डेथ बॉलिंग अभी भी थोड़ी कंसर्न में है। तीनों ही T20 मैचेस में शनाका ने पहले और दूसरे T20 मैच में काफी ज्यादा हिटिंग करी, तीसरा T20 मैच तो चलो छोड़ दो, तीसरे मैच में बहुत ज्यादा रन बन गए थे तो वो प्रेशर था, लेकिन दोनों ही T20 मैचेस में, शुरुआती के दोनों T20 मैचेस में टीम इंडिया की डेथ बॉलिंग पिटी थी। आखिरी 5-5 ओवर में 60-60 रन 50-50 रन लीक हुए थे। पहले मैच में जहां पर हर्षल पटेल पिटे थे, तो दूसरे मैच में अर्शदीप सिंह की पिटाई हो गई थी, शिवम मवी की भी पिटाई हो गई थी, तो वहां पर एक डेथ बॉलिंग का कंसर्न है और उसके लिए ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह की जरूरत है। जसप्रीत बुमराह जब तक नहीं आएंगे तो डेथ बॉलिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत तो आएगा, बट ठीक है, उमरान मलिक उतनी डेथ बॉलिंग करते नहीं, तो अर्शदीप सिंह एक प्रूवन डेथ बॉलर है बट अभी थोड़ा रफ पैच चल रहा है, बट जसप्रीत बुमराह का आना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इस टीम के लिए। सो बस मेरी तरफ से आज की ये वीडियो थी, अगर ये इंडिया श्रीलंका की एनालिसिस टाइप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।